गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम है पेंगोंग लेक के किनारे, ये रही पेंगोंग लेक। तो हम रात को यहाँ सोए थे, ये रहा कैंप। और ये एक भैया और जॉइन हो गए थे बाद में, तो उनके साथ भी बहुत मस्ती की। और ये चारों बाइकें और बाकी हमारी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही है सुबह की, क्योंकि सुबह सुबह ही पेंगोंग लेक में हाथ डाल दिया और मरने जैसा काम कर दिया था। सुसाइड उससे सरल होता था, बाकी सब ठीक। अब ये मुझे लगता है बर्तन और दिख रहे हैं और आगे नहीं, और मेरे उसमें पानी ये करके डालेंगे। तो आप देख के पेंगोंग लेक का नजारा, ये है ये भाई भैया है। तो भाइयों ने जो फटाक फटाक से टेंट सेटअप कराया ना, नहीं तो अकेला तो मैं कर ही ना पाता। आनंद आ गया उसके बाद, बढ़िया जम के खाना। आप कहाँ से भैया? मैं हूँ सहारनपुर से। सहारनपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सहारनपुर बेसिकली आता तो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो टच होता है हरियाणा से, हिमाचल से और उत्तराखंड से। जी बीच में है जी, ये बीच में है। सो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्टेट्स। क्या नाम है आपके ये चैनल का? निखिल पवार चैनल का, यही चैनल का भी नाम है। तो ठीक है जी भैया, निखिल पवार आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। और इंस्टाग्राम हैंडल ट्रू सेल्फ इन यू, ट्रू सेल्फ इन यू, ट्रू सेल्फ इन यू। ओके जी ओके, तब तक पेंगोंग लेक का नजारा लीजिए। ओह यो भाई, क्या नजारा है, क्या नजारा है। खाना बना रहे हैं भैया, मर दे के ये उसको दे ढकेल लेते इसके ऊपर आ जाओ। चलो कभी नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो कांटेक्ट में रहूंगा मैं। अरे यार साफ नहीं कर गया अभी। बाकी पेंगोंग लेक का नजारा कुछ ऐसा है। ये खड़ी है अपनी बाइक के।
बैठे हैं वो नीचे आ ही जाता है। तो गाइज अभी है 10:46 हो चुके हैं और आज तारीख है 4 शायद, पक्का तो नहीं पता, जो 4 है। और मैं आ चुका हूँ भी 3 इडियट्स और जब तक है जान मूवी शूटिंग के साइड पे जहाँ यहाँ शूट हुई थी। आप यहाँ हुई थी शूटिंग, आपको बता, कुछ याद आए तो बताइए। ओके, और बाकी देखिए क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। और ये वो कुर्सियाँ है और वही स्कूटर है। बाकी 100 रुपये लेंगे आपको फोटो खिंचाने के लिए 3 आदमी के। बाकी नज़ारा ये बहुत शानदार है भैया, बहुत शानदार। ये गणेश भैया है जो कि पूरे थक चुके हैं क्योंकि इनके बाइक वहाँ खड़ा करके चल के आना पड़ा थोड़ा। भाई नज़ारा देखिए आप, तो गाइस पैकिंग वैकिंग हो गई है अपने, सभी टेंट वेंट सब पैक कर लिया सामान वामान। तो देख लीजिए अब ऐसी है जगह, जैसी थी वैसे छोड़ दी हमने, कोई कचरा नहीं, कोई बात नहीं। ये अपनी खुशी खड़ी है, उधर राजेश भैया खड़े, वो GD व्लॉग्स खड़ी है, और ये अपने भैया निखिल भैया है ना, निखिल भैया ना, ये निखिल भैया खड़े, इन्होंने भी कम्प्लीट हो गया इनका भी। फिर बाकी ये अपने, अब इनका नाम भी भूल गया हूँ, गणेश भैया खड़े। अभी थोड़ा बहुत नज़ारा लेते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, फिर चलते हैं निकलते हैं। और क्या है भाई, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, सोच रहा हूँ यहीं एक घर बना लूँ, लेकिन साले लात मार के निकालेंगे मुझे पता है, क्योंकि इनका अपने पास टेंट है, टेंट नहीं होता तो ये रहने दे देते। सो गाइस पेंगोंग से निकलते ही पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया है। तो आज थोड़ा गला ख़राब हो गया, रात को बहुत ठंड थी, तो करते पहले भैया को करने देते, फिर लास्ट में अपन निकलेंगे, आकाश भैया भी निकल जाएंगे, फिर अपन निकलते हैं। ओ भाई स्प्लेंडर तो आराम से निकल जाएगी, ना कोई टायर स्लिप ना हो, कुछ भी नहीं।
चलिएगा मैं आ रहा हूं। गाइस पानी तो ज़्यादा भरा लगता है तो हाँ इसीलिए सब एक साइड से निकल रहे हैं और सभी बंदे इसलिए खड़े हैं, सबका ग्रुप है तो सभी ग्रुप इसी से निकलेगा, इस तरफ से ही निकलेगा, इसीलिए वो सभी बंदे खड़े हैं, सब एक साथ होंगे फिर निकलेंगे। चलिए अपनी खुशी को निकालते हैं पहले। हाँ जी चलिए, हाँ मैं निकाल रहा हूँ, बोला आप रुकिए तो निकालते हैं खुशी को। चलिए आप निकाल दीजिए पहले। हाँ इसके टायर थोड़े स्लिप हो गए क्योंकि इसमें टॉक ज़्यादा है तो टायर फेर देती है, हो गया फ्री। अपने में ऐसा नहीं है, अपने में टॉक भी मीडियम ही है और सब मीडियम ही है। चले निकल जी, हाँ जी आराम से निकल जाएगी, आराम से निकली, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस गाड़ी का कुछ चेक करने थे कि कुछ खुल गया लगता है। हाँ रस्सी थोड़ी ढीली हो गई और सब टाइट कर लेते हैं, चेक करते हैं फिर निकलते हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो लूज हुआ तो है, बहुत धूल उड़ रही है भाई, बहुत धूल, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, ना गाड़ी दिख रही है कुछ, हम ही चल रहे चारों। हाँ चलो चलो कोई दिक्कत नहीं।
गाइस कब से चल रहा हूँ सिर्फ एक ही गाड़ी दिखी, बाकी दूर दूर तक कोई नहीं है, बस रेगिस्तान है अपने रेगिस्तान, जैसा राजस्थान में है वैसा का वैसा।